hello kids welcome to dikshan's edutech i am deepa class lkg teacher and today i am going to teach you math subject and today topic is money today topic is money this is your chapter 10 okay with the help of money we buy or sell anything okay now next ओके वैन यू गो टू द शॉप ओके एंड यू बाय एनी थिंग सचेज पेंसिल्स चॉकलेट्स एट्सेट्रा एंड डू यू थिंक व्हाट यू पेड टू द शॉपकीपर सोचो अगर आप दुकान में जा रहे हो और कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हो जैसे चॉकलेट है पेंसिल है हाँ और आपको आपने दुकानदार से ले लिया तो उसके बदला में आप क्या दोगे दुकानदार को स डू यू थिंक चिल्ड्रेन यस आप क्या दोगे मनी हम लोग कोई भी सामान दुकान से लेते हैं ठीक है तो उसके बदला में हम दुकानदार को पैसा देते हैं मनी देते हैं है ना ओके विद द हेल्प ऑफ मनी वी बाय एनीथिंग और सेल एनीथिंग ओके कोई भी चीज खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं पैसा के मनी के माध्यम से ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ओके दिस इज द शॉप एंड द गर्ल गो टू द शॉप एंड बाय समथिंग एंड वॉट शी पेड शी पेड मनी ये क्या पेड करेगी शॉपकीपर को मनी और बाय एनी थिंग इन द शॉप ओके वी Buy and sell different kinds of things. Okay, कोई भी सामान को खरीद और बेच सकते हैं With the help of money. With the help of what? Money. With the help of money. We buy मतलब खरीदना और बेचना खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं. पैसे के माध्यम से मनी के माध्यम से ओके इंडियन करेंसी और इंडियन मनी जो भारत का मनी होता है इज इन द रुपीज़ एंड पैसा इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड रुपीज एंड पैसा ओके दो फॉर्म होता है रुपीस और पैसा देर आर अवेलेबल इन दे आर अवेलेबल इन कॉइन्स एंड नोट्स ओके सिक्का और नोट्स जो पेपर का बना होता है उसे नोट कहते हैं और जो मेटल का बना होता है उसे हम सिक्का कहते हैं इंडियन करेंसी इज़ इन द फॉर्म ऑफ रुपीज एंड पैसे ओके और जो रुप सिक्का होता है वो मेटल का बना होता है और जो नोट्स होते हैं वो पेपर का बना होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे इसके बाद मैं, ओके फर्स्ट वी डिस्कस वी बाय और सेल एनीथिंग, ओके विद द हेल्प ऑफ मनी ओके इंडियन करेंसी जो हमारा इंडिया का भारत का है वो रुपीस और पैसा है और डिफरेंट कंट्री अलग अलग देश का अलग अलग है जैसे बांग्लादेश का टाका है कहीं का डॉलर्स है ऐसे ठीक है नाउ नेक्स्ट ओके लुक एट द पिक्चर दिस ऑल दिस आर कॉइन्स ओके एंड दिस इज पेपर नोट्स ओके रुपीस दिस इज द मनी and this is what this is the sign of money or symbol of money okay indian money this is the sign as i g n sign or we say symbol okay how to write first we write two like this then cut middle okay this is के बीच में काट दो ऐसे भी कहा जाता है दिस इज द साइन ऑफ रूपीज ओके नाउ नेक्स्ट दिस इज द साइन ऑफ इंडियन रूपीज ओके नाउ हेयर वी डिस्कस अबाउट इंडियन करेंसी यहाँ हम वाई से करेंसी करेंसी मीन्स जो जिस देश में नो पैसा नोट्स पे पैसा चलता है उसे ही हम करेंसी कहते हैं ओके इन इंडियन करेंसी इज नोट्स एंड कॉइन्स ओके नोट्स आर मेड ऑफ पेपर हंड्रेड रुपीज़ टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड टेन रुपीज़ नोट्स ट्वेंटी रुपीज़ नोट्स वी से दिस इज फाइव हंड्रेड रुपीज़ नोट्स दिस इज टू थाउजेंड रुपीज़ नोट्स ओके दिस इज मेड ऑफ नोट्स पेपर नोट्स आर मेड अप ऑफ पेपर एंड कॉइंस इज़ यूजली मेड अप ऑफ मेटल ओके सिक्का जो होता है वो मेटल का बना होता है अगर हम इसे उसके गिराएंगे फ्लोर में वो आवाज़ करता है क्योंकि वो मेटल का बना होता है सिक्का जो है और आप लोग कॉइंस का नाम बता सकते हो हाँ वन रुपीज़ कॉइन यस टू देन फाइव टेन ट्वेंटी ओके दिस आर कॉइंस ओके नाउ हेयर वी इंडियन कॉइंस ये क्या है इंडियन कॉइंस है ओके दिस इज फिफ्टी पैसे ये क्या है पचास पैसे का सिक्का है ओके स्मॉल इन साइज होता है और यहाँ पचास फिर ये पैसे लिखा हुआ है ओके ये पचास पैसे का सिक्का है ओके कॉइन्स आर मेड अप ऑफ मेटल ओके देन दिस इज वन रुपीज़ कॉइन ये कौन कितना रुपया का कॉइन है वन रुपीज़ का एक कितना रुपया का सिक्का है बच्चों वन रुपीज़ का आप लोग एक रुपया लेके शॉप जाते हो ना और चॉकलेट्स मिलते हैं एक रुपये का हाँ ओके okay? और ये यहाँ बीच में क्या लिखा हुआ है यस टू मींस ये टू रुपीस का सिक कॉइंस है मींस टू रुपीस कॉइंस ये क्या है दो रुपया का कॉइन है टू रुपीस कॉइन्स ओके नेक्स्ट ये मिडिल में क्या लिखा है यस फाइव मीन्स ये फाइव रुपीस का कॉइन है इसका मतलब क्या हुआ ये फाइव रुपीज़ का कॉइन है ओके आप लोगों ने पांच रुपये का सिक्का देखा है ना उसके बीच में फाइव लिखा रहेगा और दो रुपये के सिक्के में क्या लिखा रहेगा टू रुपीज कॉइन राइट टू एंड वन रुपीज कॉइन राइट वन और फिफ्टी पैसे फिफ्टी फाइव जीरो फिफ्टी एंड दिस इज वन ज़ीरो एंड दिस इज द साइन ऑफ मनी ओके इंडिया सी This is 10 rupees coins. Okay? 10 rupees coins. 50 pesa coins. Okay? This is 1 rupees coin. This one is 2 rupees coin. Another one is 5 rupees. And this one is 10 rupees coin. Now, next. Identify children. Coins. Okay? दिस वन इज वन वट वी राइट वन रूपी बीच में क्या लिखा हुआ है यस वन लिखा हुआ means one rupee. Coin है मीन्स वन रूपी कॉइन ये कितने का कॉइन है वन रूपी वन रूपी हेयर लाइक दिस साइन मीन्स वन Two, two rupees. This is two rupees coin. This is two rupees coin. Okay, and this one is five, five rupees coin. Okay, five rupees. Five rupees coin. Okay. Now this is ten. This one is ten rupees. Ten rupees coin. Okay. And this one is small coin. Five zero fifty paise. Ok, 50, five, zero, 50 paise, paise, 50 paise, ok, 1 rupees coin, 5 rupees coin, 10 rupees coin, 2 rupees coin, then 50 paise. Now, next, here we discuss about notes, ok. This is one rupee what notes? Notes is made up of paper हमने पढ़ा ना ये एक रुपया का नोट है ओके वन रुपी नोट ओके ये रैक्टेंगुलर शेप में होता है कैसा शेप में होता है रैक्टेंगुलर शेप में होता है ये सबसे छोटा नोट है ओके इंडियन करेंसी का जो है वो सबसे छोटा नोट है एक रुपया का उसके बाद ये दो रुपये टू रुपी नोट ये दो रुपये का नोट है एक रुपये का सिक्का भी चलता है और नोट भी चलता है ओ ठीक है और टू रुपीज़ का भी नोट्स एज वेल एज कॉइन दोनों ही अवेलेबल है नाउ नेक्स्ट दिस वन इज यस टेन रुपीज वन जीरो टेन रुपीज नोट्स ओके एज वेल एज कॉइन टेन रुपीज नोट्स एज वेल एज कॉइंस ओके दैन दिस वन इज फाइव ये पाँच रुपये का नोट है ठीक है फाइव रुपीज नोट्स कितने का नोट है ये फाइव रुपीज का नोट है ओके फाइव रूपीज नोट एंड दिस वन इज टेन रुपीज नोट आप सभी ने देखा होगा है ना पाँच रुपये का नोट और दस रुपये का नोट हाँ नाउ दिस वन इज टू जीरो ट्वेंटी एंड दिस इज द साइन ऑफ इंडियन रूपीज ओके ट्वेंटी रुपीज़ नोट्स ये कितने रुपए का नोट्स है ट्वेंटी रुपीज़ का अभी हमने कितने कितने रुपए का पढ़ा व एक रुपये का दो रुपये का पाँच रुपये का दस का देन अब हम बीस रुपये का मीन्स ट्वेंटी रुपीज़ का नोट कब देख रहे हैं ये ट्वेंटी रुपीज़ का नोट है ठीक है और ये फाइव ज़ीरो फिफ्टी कितने रुपए का नोट है पचास रुपये का नोट है है ना और पचास रुपये में बहुत सारे चीज़ आप लोगों का खाने वाला आ जाएगा ट्वेंटी में उससे कम आएगा ठीक है तो पचास का वैल्यू ज़्यादा है और ट्वेंटी का वैल्यू कम है अब पचास रुपये से भी ज़्यादा का पड़ेंगे ठीक है ये कितने रुपये है हंड्रेड रुपीज़ फिफ्टी का डबल है पचास रुपये से डबल है फिफ्टी प्लस फिफ्टी हंड्रेड रुपीज़ है ना ये हंड्रेड रुपीज़ है ओके हंड्रेड रुपीज़ नोट है ये भी पेपर का है हंड्रेड रुपीज़ भी पेपर का बना हुआ है ये हंड्रेड रुपीज़ का नोट है और ये कितने का नोट है पढ़ो टू ज़ीरो ज़ीरोस टू हंड्रेड का नोट है कौन सा नोट बड़ा है हंड्रेड रुपीज़ का कि टू हंड्रेड का यस, टू हंड्रेड टू हंड्रेड बड़ा है और हंड्रेड छोटा है ये टू हंड्रेड का नोट है टू हंड्रेड रुपीज़ है ये ठीक है आप लोगों ने ये नोट अपने घरों में देखा होगा है ना ये सौ रुपया है ये दो सौ रुपया है देन ये उससे भी बड़ा नोट है फाइव हंड्रेड रुपीज़ नोट कितने ये ग्रीन कलर का है ना लाइट ये फाइव हंड्रेड रुपीज़ नोट है और ये मैजेंटा कलर का है जो है वो टू थाउजेंड ये दो हज़ार रुपये का नोट है ओके आप लोगों ने देखा ना कितने एक रुपये का नोट होता है दो का होता है पाँच का दस का बीस का पचास फीस दो सौ उसके बाद पाँच सौ फिर दो हज़ार दो हज़ार ठीक है सबसे बड़ा नोट कौन सा नोट होता है दो हजार का नोट होता है और सबसे छोटा बच्चों कौन सा नोट होता है हाँ एक रुपया का नोट होता है ठीक है आइडेंटिफाई नोट्स अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कौन सा नोट कौन किस कलर का है ओके ये फाइव हंड्रेड का है एंड ये टू थाउजेंड का है ओके नाउ नेक्स्ट ओके आइडेंटिफाई द नोट्स हेयर अभी हमने नोट्स को देखा ना पूरा एक रुपया से लेके दो हजार रुपये तक का नोट्स एंड देन टेल मी मैच द मैच द करेंसी नोट्स विद यर वैल्यू कौन सा नोट कितने रुपये का है उसको उसके साथ मैचिंग करना है यहाँ पर ओके okay? ये नोट कितने रुपये का है बच्चों पर्पल कलर का यस वन ज़ीरो जीरो यस हैंड्रेड और ये ग्रीन टाइप कलर दिस इज फाइव हंड्रेड फाइव जीरो ये लाइट स्काई ब्लू कलर यस फिफ्टी रुपीज नोट ओके दिस इज रेड कलर टू ज़ीरो ट्वेंटी Okay, then this is magenta color, 2000 rupees note. This one is 10 rupees note. This is light orange color, yes, 20 rupees note. And this is green color, 5 rupees note. And now match it. Okay, this is where right 100, 1 0, 0 100. One zero zero hundred, we are right here. Match it, yes. And here five zero zero five hundred, we are right five hundred here. Then match it. Then this one is fifty. We are right fifty five zero fifty. Okay. This one is 50. This is 50 rupees note. All of you understand? Okay. And this one is 20 rupees note. Another. This is 10. 10 rupees note. Yes. And this is. 2000 rupees note and this one is 200 rupees and this one is rupees 5. Okay? We match it? Yes, this is 2000, this is 10 rupees note, this is 200 rupees note and this one is 5 rupees note. Notes are made up of by paper. ओके okay, जो नोट होता है वो पेपर से बनता है और कॉइन्स आर यूजली अप ऑफ मेटल ओके मेटल से बनाया जाता है कोई धातु से सिक्का को बनाया जाता है नाउ नेक्स्ट ओके दिस इज द थिंग्स ये सब क्या है थिंग्स है बॉल कॉम टैडी ओके बर्थडे कैप पॉपकॉर्न, ओके एंड विथ मैच विथ इट्स नोट्स ये सब क्या है पेपर नोट्स है ओके वॉट इज द प्राइज ऑफ ए बॉल एयर, रुपीज ट्वेंटी एंड द प्राइज ऑफ ए कॉम कंकी का कितना दाम है बच्चों पाँच रुपया और दिस इज दॉ ब्यूटीफुल टॉयज ये टॉयज टेडी बियर का कितना दाम है यस हंड्रेड रुपीज़ और बर्थडे कैप का कितना दाम है दस रुपया रुपीज़ टेन और पॉपकॉर्न का कितना दाम है रुपीज़ फिफ्टी पॉपकॉर्न का कितना दाम है रुपीज़ फिफ्टी ओके अब हम इसे मैच करेंगे बॉल का कितना बीस रुपया बीस रुपया कहाँ है बच्चों यस यहाँ है ट्वेंटी रुपीज़ ओके करेंगे okay. yes, मैच करेंगे हम ओके कॉम्प कितने रुपीस का है फाइव yes, रुपीस का है फाइव रुपीस कहाँ है यस यहाँ है इसे मैच करेंगे टेडी बियर कितने रुपये का है यस हंड्रेड रुपीस का है हंड्रेड रुपीस कहाँ है यस ये है हंड्रेड रुपीस का टेडी बियर का एक सौ रुपया दाम है ठीक है और बर्थडे कैप कितने रुपीज़ का है यस टेन रुपीज़ प्राइस ऑफ ए बर्थडे कैप रुपीज़ टेन वेयर रुपीज टेन हेयर यस मैच इट नाउ पॉपकॉर्न वट इज़ द प्राइस ऑफ पॉपकॉर्न यस फिफ्टी रुपीज़ पचास रुपया दाम है पॉपकॉर्न का कहाँ है पचास रुपया हाँ uh, यहाँ पर है ओके okay? नाउ अब हमने इसे बहुत अच्छे से मैच कर लिया हर एक चीज़ का एक प्राइस होता है कोई भी चीज़ जो बाज़ार में बिकता है मार्केट में जो सेल होता है हर एक चीज़ का दाम होता है जैसे फुटबॉल का कितना प्राइस है यस द प्राइस ऑफ ए बॉल इज़ रुपीज़ ट्वेंटी एंड द प्राइस ऑफ़ ए कॉम्प इज़ रुपीज़ फाइव एंड टॉइज रुपीज़ हंड्रेड ओके एंड द टेडी बर्थडे कैप रुपीज़ 10 and the, what is the price of a popcorn okay rupees 50 is the price of a popcorn okay everything sell in the market with a price okay and this is the notes okay now this is notes and write okay दिस इज आइडेंटिफाई नोट्स ऑल द नोट्स वी हेयर वी आइडेंटिफाई देन राइट इट ओके इसे हम पहले पहचानेंगे ये नोट कितने रुपये का है उसके बाद हम उसे लिखेंगे ओके दिस इज़ वन ज़ीरो टेन और यहाँ जो पिक्चर दिख रहा है वो किसका है महात्मा गांधी का है ओके okay? सारे नोट्स में किसके पिक्चर हैं महात्मा गांधी का है ठीक है ये आप देख रहे हो ना ये महात्मा गांधी का पिक्चर है ओके फोटो है और ये कौन ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओके ये कितने रुपये का नोट है यस रुपीज टेन ट रुपीज आर यू डबल आर यू पी डबल ई एस रुपीज ओके एंड राइट लाइक दिस दिस इज द साइन ऑफ रुपीज़ रुपीज़ टेन ओके आइडेंटिफाई नोट्स दिस इज फाइव रुपीज़ नोट ये पाँच रुपये का नोट है फाइव रुपीज़ में क्या मिलता है यस चिप्स आप लोग चिप्स चॉकलेट्स फाइव रुपीज़ का मिलता है ना यस दिस इज फाइव रुपीज आर यू पी डबल ई एस दिस इज रूपीज फाइव ओके देन नेक्स्ट दिस वन इज टू जीरो ट्वेंटी ये कितने रुपये का नोट है ट्वेंटी रुपीज नोट ओके ट्वेंटी रुपीज़ आर यू पी डबल ई एस दिस इज ट्वेंटी रुपीज हाउ राइट ट्वेंटी रुपीज़ रिख के ट्वेंटी ओके दिस इज ट्वेंटी रुपीज नोट ओके देन दिस इज ऑल्सो लाइट ग्रीन कलर एंड दिस इज लाइट स्काई ब्लू कलर आइडेंटिफाई व्हाट राइट 50 50 मींस 50 तो ये कितने रुपीज़ का नोट हुआ 50 रुपीज़ 50 रुपीज. okay. 50 फिफ्टी ओके 50 रुपीज़ नोट रुपीज़ 50 ओके ये 50 रुपये का नोट है 50 rupees and this one is 1, 0, 0, 100 means a hundred rupees can note a 1, 0, 0, 100 rupees r u p w -E, e s okay this is the sign or symbol of rupees and this one is 100 okay सबसे छोटा नोट इसमें कौन सा है यस yes. सबसे छोटा यस yes. फाइव रुपीज़ पाँच रुपया सबसे छोटा इसमें है और सबसे बड़ा नोट इसमें कौन सा है यस हंड्रेड रुपीज़ ओके और दो पचास रुपये को मिला के कितना रुपया बनेगा टू फिफ्टी रुपीज़ नोट में का यस 100 rupees. Okay. And two 5 rupees note. 5 plus 5. Yes. 10 rupees. And two 10 rupees note. 20 rupees. Okay. Now, match the correct option. This is 50 paisa coin. This one is 10 rupees coin. And this one is 5 rupees coin. Okay, coins are made up of metals. Okay, and notes are made up of paper. All of you understand? Yes. Then this is 50 rupees. This is 10 rupees. This one is 100. This one is 5. Another one is. 500 now match it 50 paise five zero, 50 paise where write 50 paise 100 50, 500 rupees 100 rupees 500 rupees 5 50 paise rupees 50 and rupees 10 this is okay 50 paise yes 50 50 and this one is paise, We match it. 50 pase. Then 50 rupees. Where write 50 rupees? Yes, this one. Match it. This one is 50 rupees. Now, next 10 rupees. Where write 10? Yes. This is 10 rupees coin. Okay now this is 100 yes 100 rupees note where right 100 yes this is 100 rupees note and this one is 5 rupees coin okay this one is rupees 5 then this is 500 note ओके फाइव हंड्रेड नोट क्या है बहुत ही बड़ा नोट है है ना फाइव हंड्रेड नोट ओके स्मॉल हेयर स्मॉल मनी कौन है यस yes, फिफ्टी पैसा और सबसे बड़ा नोट यहाँ क्या है फाइव हंड्रेड का है कौन सा है बिगर नोट फाइव हंड्रेड का है ओके हाउ मैनी हंड्रेड नोट्स मेक फाइव हंड्रेड कितने सौ का नोट रहेगा तो पाँच सौ रुपया बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव फाइव हंड्रेड का नोट्स मिलके फाइव हंड्रेड बनेंगे ओके okay? और टू फिफ्टी पैसे मिलके कितने रुपए बनेंगे यस yes, एक रुपया दो पचास पैसे मिलके कितने रुपए बनेंगे एक रुपये बनेंगे ओके ओके टुडे वी डिस्कस अबाउट हेयर इंडियन करें मनी ओके और इसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों आज रुपीस एंड पैसे और जो रुप नोट्स नोट्स के बारे में पढ़े और कॉइन्स जो होते हैं वो मेटल के बनते हैं और नोट्स जो होते हैं वो पेपर के बनते हैं ठीक है और आइडेंटिफाई करना हमने आज सीखा थैंक यू बाय बाय टेक केयर